हमारे माशरे के अंदर एक बात पैदा हो गई। एक बात क्या पैदा होगी, दीन के ताल्लुक से अगर आदमी के पास इल्म नहीं है और वो बड़ा हो गया, उसकी उम्र ज्यादा हो गई, 20 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, तो वो शर्म महसूस करता। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, शर्म की बात नहीं। आप जब भी इल्म हासिल करेंगे, इल्म के लिए, दीन को सीखने के लिए, अल्लाह की मारिफत तक पहुंचने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। आप देखिए सहाबे किराम, 40 साल की उम्र में कोई मुसलमान हो रहा, कोई 50 साल के एज में इस्लाम को कबूल कर रहा, कोई 60 साल के एज में इस्लाम को कबूल कर रहा, बुतों की इबादत कर रहे हैं, है ना, खाने काबा के अंदर 307 बुतों के ऊपर चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, गुमराही और जहालत के अंदर मुब्तला है, लेकिन जैसे ही इस्लाम कबूल करते हैं तो उनकी उम्रें, उनके एज इस्लाम को सीखने में रुकावट नहीं बनते। वो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में मस्जिद नबवी के अंदर हाजिर होते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के बाद होने वाली दीन की बातों को सीखते हैं, आपसे पूछते हैं, कोई परेशानी होती है तो भागते हैं अल्लाह के नबी के दरबार में आते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मसला है, मैं क्या करूं, कैसे जिंदगी गुजारूं, इस मसले का हल क्या होगा।